Hello guys, my name is Aditya Dubey. Welcome back to another lesson on MCQ based on current affair. इस लेसन में हम डील करेंगे जून 2018 का करंट अफेयर जो कि नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के लिए है और इसमें मैं कवर करूंगा 1 जून से 22 जून तक का करंट अफेयर। यदि आप MPPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अगर आप मीन्स प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि मैंने इससे प्रीवियस में मध्य प्रदेश का करंट अफेयर जो कि जून 2018 का था वो भी बनाया है। यदि आप वो देखना चाहते हैं तो प्लीज आप जरूर देखिएगा प्लेलिस्ट में या तो आप आई बटन पे क्लिक करके भी देख सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि इनमें से किस देश ने हाल ही में अपनी पहली ऑयल रिफाइनरी का कंस्ट्रक्शन शुरू किया जिसमें इंडिया ने $1 बिलियन की एड की मीन्स मदद की। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज मंगोलिया। मंगोलिया ने रिसेंटली अपना कंस्ट्रक्शन शुरू किया है फर्स्ट ऑयल रिफाइनरी का जिसमें इंडिया ने $1 बिलियन की मदद की। अब ये स्ट्रैटेजिकली बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए और अगर फैक्चुअल कंटेंट की बात की जाए तो मंगोलिया के सदर्न डोनोगोवी प्रोविंस में इसकी स्थापना की गई मींस इसका कंस्ट्रक्शन शुरू किया गया है और जो मंगोलिया के PM है जिनका नाम है खुरेलसुख उखना, उन्होंने हमारे होम मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह के साथ मीटिंग की और ये डिसाइड किया गया कि इंडिया इसमें मदद करेगा $1 बिलियन की। ओके, अब इसके साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है। इसकी जो कैपेबिलिटी है मींस ये है 30,000 बैरल पर डे का जो ऑयल प्रोसेसिंग है वो की जाएगी इस प्लांट के थ्रू, ये जो कि बहुत ही ज्यादा ह्यूज मानी जाती है। अब अगर आपको मींस इंपॉर्टेंट फैक्ट की अगर और बात की जाए तो ये आपके लिए ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है कि एक बैरल में कितने लीटर होते हैं। तो ये है इसका आंसर है 158.98 लीटर्स इज इक्वल टू 1 बैरल, या अगर आपको एग्जाम में सिर्फ 159 लिखा रहेगा जो राउंड ऑफ करके वैल्यू होती है वो भी सही है। ओके, अब मैं इसके साथ और दूसरे फैक्ट बताना चाहूंगा कि चाइना की कैपिटल क्या है, बीजिंग आप जानते होंगे, मंगोलिया की है उलान बटार। ओके, पाकिस्तान की क्या है कैपिटल, इस्लामाबाद, और कजाकिस्तान की कैपिटल है अस्ताना। तो ये थे हमारे कुछ करंट अफेयर और साथ ही साथ स्टैटिक जीके। अगला क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल योगा डे 2018 की थीम क्या थी, मींस इस साल जो हमारा इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट किया गया था उसकी थीम क्या थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज योगा फॉर पीस। अब इससे रिलेटेड मैं कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताना चाहूंगा। जो इंटरनेशनल योगा डे है वो सेलिब्रेट किया जाता है 21 जून एवरी ईयर, मतलब हर साल 21 जून को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल योगा डे। इसको ऑफिशियली UN ने कब अप्रूव किया था, तो उसकी डेट है 21 जून 2015 को, मींस UN ने अपना रेजोल्यूशन पास किया था जिसमें यह बताया गया था कि इंटरनेशनल योगा डे 21 जून को सेलिब्रेट किया जाएगा और इसकी जो पासिंग डेट है वो है 21 जून 2015। अब आपको एक और फैक्ट बताना चाहूंगा कि 21 जून एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी कवर करता है कि ये समर सॉल्स्टिस कवर करता है, मींस समर सॉल्स्टिस मतलब द लॉन्गेस्ट डे ऑफ ईयर इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन अकाउंट किया जाता है 21 जून। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, यदि आपको पता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, शॉर्टेस्ट डे ऑफ द ईयर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कौन सा होता है। तो यदि आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो फिर से रिवाइज कर लेते हैं, मींस इंटरनेशनल योगा डे 2018 की थीम क्या थी, वो थी योगा फॉर पीस। अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने हाल ही में UNHRC से अपनी मेंबरशिप छोड़ी, मींस यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल से रिसेंटली किस देश ने अपनी मेंबरशिप तोड़ी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने रिसेंटली अपनी UNHRC के साथ मेंबरशिप तोड़ दी और उससे पहले USA ने यूनेस्को से भी अपना नाता तोड़ दिया था। अब मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट स्टैटिक इन्फॉर्मेशन बताना चाहता हूं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, वो ये है कि UNHRC मींस यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी 2006 में UNHRC की स्थापना हुई थी और ये एक यूनाइटेड नेशन की ऐसी बॉडी है जिसका काम ये होता है कि टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट द ह्यूमन राइट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब प्रोटेक्ट करना और प्रमोट करना ह्यूमन राइट को और ह्यूमन राइट के जितने भी वॉयलेशंस होते हैं उनकी जांच करना। ओके, इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, इसका हेडक्वार्टर जो है वो है जेनेवा में। जेनेवा कहां पे, मींस स्विट्जरलैंड में। अब एक और आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट बताना चाहूंगा जेनेवा से रिलेटेड। जेनेवा जनरली बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का हब माना जाता है, मींस जेनेवा में
टोटल अगर बात की जाए तो 23 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनका हेडक्वार्टर्स है। ओके, तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, जहाँ पे 23 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर हैं। UNHRC की स्थापना कब हुई थी? 2006 में। किस कंट्री ने रिसेंटली अपना UNHRC के साथ नाता तोड़ा? वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ओके, तो आप इसके बारे में एक आर्टिकल भी पढ़ सकते हैं जो कि मैंने द गार्डियन डॉट कॉम से लिया हुआ है स्नैपशॉट। ओके, तो इसमें बताया गया यूएसए क्विट यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल सेसफुल ऑफ पॉलिटिकल बायस। ये स्टेटमेंट था, ऑफिशियल स्टेटमेंट यूएसए की निक्की हेले का। ओके, जिन्होंने ये कहा था कि द प्रोटेक्टर ऑफ ह्यूमन राइट अब्यूजर दैट टारगेट इसराइल इन पर्टिकुलर एंड इग्नोर एट्रोसिटी एल्सवेयर। मतलब ये पर्टिकुलरली टारगेट करते हैं, इनका पॉलिटिकल बायस है इसराइल के खिलाफ, और ये दूसरी जगह की एट्रोसिटीज को, मींस जो अत्याचार दूसरे देशों में किए जाते हैं, उसको नजरअंदाज कर देते हैं। तो ये रीजन माना जाता है यूएसए का यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल से क्विट करने का। ओके, अगला क्वेश्चन है कि पीटर थॉम्सन का संबंध इनमें से किस खेल से है? तो पीटर थॉम्सन का संबंध इनमें से गोल्फ से है। ये एक वेटरन मींस एक बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस्ड और बहुत ही ज्यादा लेजेंडरी ऑस्ट्रेलियन गोल्फर माने जाते थे, जिनका हाल ही में देहांत हुआ है 88 की उम्र में। और ये जो थे, ये 5-टाइम ब्रिटिश ओपन चैंपियनशिप के विजेता थे, और इनको पार्किंसन डिसीज थी। अब जिनको पार्किंसन नहीं पता, मैं बता दूं कि पार्किंसन एक ऐसी डिसीज होती है जिसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम बॉडी का अफेक्ट किया जाता है, मतलब अफेक्ट हो जाता है और वो काम नहीं करता अच्छे तरीके से। तो ये होती पार्किंसन डिसीज। और पीटर थॉम्सन का संबंध किससे था? जो था गोल्फ से, और ये एक ऑस्ट्रेलियन गोल्फर थे। ओके, अगला क्वेश्चन है कि पहले इंडियन जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर बने लॉरियल इंडिया के। अब ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हो सकता है, क्योंकि लॉरियल इंडिया में पहली बार इंडियन मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किए गए, तो वो हैं मिस्टर अमित जैन। ओके, मिस्टर अमित जैन। तो आप इसके बारे में बिजनेस स्टैंडर्ड का जो मैंने आर्टिकल लिया हुआ है, आप उसको पढ़ सकते हैं कि लॉरियल इंडिया गोज लोकल अपॉइंट अमित जैन एज फर्स्ट इंडियन MD टू हेड बिजनेस। ओके, तो ये आप पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि AR रहमान रिसेंटली किस राज्य के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? ओके, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज सिक्किम। सिक्किम गवर्नमेंट ने रिसेंटली AR रहमान को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है अपने राज्य का। ओके, अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा स्टेट सबसे पहला रैंक हासिल किया वाटर कंजर्वेशन में एज पर नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार? मतलब नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार इनमें से कौन सा राज्य वाटर कंजर्वेशन में पहला रैंक हासिल किया है? तो यहां पे आपको एक शॉकिंग फैक्ट मिलेगा, जो है ऑप्शन ए, राजस्थान। ओके, तो राजस्थान, इसका सोर्स जो है मैंने लिया हुआ है thehindu.com से। राजस्थान नंबर वन इन वाटर कंजर्वेशन एज पर नीति आयोग। नीति आयोग ने राजस्थान को नंबर वन रैंक डिक्लेयर किया है वाटर कंजर्वेशन में। और ये एक चौंका देने वाला फैक्ट ये भी है, एक अच्छी चीज ये भी है कि इन्होंने रिसेंटली ग्राउंड लेवल जो वाटर होता है उसके लेवल में बढ़ोतरी हुई है राजस्थान में। तो ये काफी अच्छा कंजर्वेशन प्रैक्टिस राजस्थान गवर्नमेंट और राजस्थान के जो लोग अप्लाई कर रहे हैं, जो कि दूसरे स्टेट्स को भी सीखना चाहिए और इससे सीख लेके आगे बढ़ना चाहिए। ओके, अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन को इलस्ट्रेटेड स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर 2017 का अवार्ड मिला? ओके, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, किदंबी श्रीकांत। किदंबी श्रीकांत को रिसेंटली इलस्ट्रेटेड स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर 2017 का अवार्ड मिला। ये जो आर्टिकल है मैंने indianexpress.com से लिया हुआ है। और इसके साथ ही मैं बताना चाहूंगा कि किदंबी श्रीकांत ने प्रीवियस ईयर मींस 2017 में 4 सुपर सीरीज टाइटल भी अपने नाम किए थे। ओके, और ये वर्ल्ड नंबर 2 बैडमिंटन प्लेयर इन टर्म्स ऑफ बैडमिंटन वर्ल्ड रैंकिंग में भी इन्होंने हासिल किया था। ओके, तो किदंबी श्रीकांत विंस स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर 2017। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी सिटी 100th स्मार्ट सिटी सिलेक्ट की गई है एज पर स्मार्ट सिटी मिशन इंडिया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज शिलोंग। शिलोंग रिसेंटली सिलेक्टेड एज 100th स्मार्ट सिटी अंडर स्मार्ट सिटी मिशन इंडिया। तो आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं कि शिलोंग जो है वो मेघालय की कैपिटल है। तो शिलोंग 100th सिटी टू बी सिलेक्टेड अंडर स्मार्ट सिटी मिशन। ओके, अब ये जो स्मार्ट सिटी मिशन है वो किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? तो ये आता है हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री के अंतर्गत। ओके, हाउसिंग एंड अर्बन मिनिस्ट्री अफेयर के अंतर्गत आता है। अब आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि MP में कितनी सिटी स्मार्ट सिटी के लिए सिलेक्ट की गई है? ओके,
ओके क्वेश्चन है, एमपी में कितनी सिटी स्मार्ट सिटी के लिए सिलेक्ट की गई है। अगला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड फर्स्ट इंटरनेशनल सेंटर फॉर ह्यूमैनिटेरियन फॉरेंसिक लॉन्च्ड इन विच स्टेट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज गुजरात। गुजरात के गांधीनगर में पहला इंटरनेशनल सेंटर फॉर ह्यूमैनिटेरियन फॉरेंसिक लॉन्च की गई। ओके तो आप ये पढ़ सकते हैं डीएनए का आर्टिकल, गुजरात गेट्स वर्ल्ड्स फर्स्ट सेंटर फॉर ह्यूमैनिटेरियन फॉरेंसिक। अगला क्वेश्चन है कि इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड 2018 में किस स्मार्ट सिटी को इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट का अवार्ड मिला गया। मतलब सबसे अच्छा प्रोजेक्ट का इम्प्लीमेंटेशन मीन्स क्रियान्वयन इनमें से किस स्मार्ट सिटी ने किया है। तो इसका सही आंसर है हमारी डायमंड सिटी ऑफ इंडिया, दैट इज सूरत। सूरत को अवार्ड मिला है स्मार्ट सिटी अवार्ड ऑफ 2018, जो कि सिलेक्ट किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट्स। तो ये था हमारा करंट अफेयर का वीडियो, एक छोटा सा वीडियो जिसमें हमने एक एब्स्ट्रैक्ट कवर किया जून 2018 का इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करंट अफेयर। यदि आपको ये चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और यदि आप मुझे और वीडियोस बनाना चाहते हैं, मींस अगर आप मुझे सजेस्ट करना चाहते हैं कि मैं और किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ, तो आप वो भी मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस टॉपिक को बनाने की कोशिश करूँगा। इसके अलावा यदि आप पीडीएफ इंटरेस्टेड हैं, मींस अगर आप ये पीडीएफ चाहते हैं, ये जो मैं लेसन बना रहा हूँ या और कोई भी जो प्रीवियस पीडीएफ मैंने जो बनाई हुई है, तो वो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक है t.me/aditya-dubey-mppsc। इसके अलावा आप मुझसे फेसबुक में भी जुड़ सकते हैं, तो फेसबुक की लिंक है facebook.com/aditya-dubey-mppsc। ओके सो दैट्स इट फॉर नाउ, आई होप यू आर डूइंग वेल, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन, बाय बाय।